मैं तो जी आपसे क्या कहूं, जिस तरह से अभी आप कुछ वीडियो देख रहे हो उसकी, सीमा हैदर की, सचिन भी उसको कुछ गालियां कुछ मतलब धक्का मुक्की कर रहा है, तो ये प्यार तो इसका मुझे लग रहा है कि खत्म होने की कगार पर लग रहा है। लेकिन क्या है, जिस तरह से सीमा हैदर हिंदुस्तान में आई है, सिर्फ ये सिर्फ अपनी TRP बढ़ाने और पैसा कमाने आई है, क्योंकि पाकिस्तान में ये एक नचनिया थी और पाकिस्तान में ये एक मतलब अपने शो चलाती थी, पूरी इसकी वहाँ पर रिपोर्ट आ रही है, और हिंदुस्तान में जिस तरह से आई है ये अपने यूट्यूबर रही है, सिर्फ पैसा ही कमाना है इसने, सिर्फ ये पैसा कमाने आई है और इसके अलावा कुछ नहीं। सचिन भी सिर्फ पैसे की ही लाल, वो भी लालची है पैसे का, प्यार का भूत भी उतर चुका है। जिस तरह से इनकी असलियत सामने आने लग गई है, क्या असलियत आने लग गई है कि ये यूट्यूब बनाना शुरू कर दिया उन्होंने, सीमा हैदर बता रही कि यूट्यूब बनाएगा, पैसा आएगा, पैसा कमाएंगे, पाकिस्तान में तो पैसा यूट्यूब चला नहीं, यहाँ चला रहे हैं, 3-4 चैनल बना लिए हैं, और आपने बताया कि फोटो खिंचवाने के 5-5, 10-10 हज़ार रुपये ले रही है, तो ये प्यार नहीं है। मैं कहता हूँ सीमा के बिल्कुल खिलाफ हूँ, और इस पे ना सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, और जिस तरह से ये चैनल बना के माध्यम से ये TRP बढ़ा रही है, सिर्फ तो सिर्फ इसमें AP सिंह भी शामिल है, या सिर्फ पैसा कमाने का एक जरिया बना लिया इन्होंने। किस तरह की मदद कर रहा है, सुनो मेरी बात, उसने 6 तो उसके चैनल बनवा दिए AP सिंह ने। अच्छा। सचिन को चैनल बनाना नहीं है, ये सीमा थोड़ी चालाक है, इसने तो अपने चैनल बनाया है, AP सिंह ने भी इसमें मिलके कि अपने चैनल बनाओ, पैसा आएगा। अब उसने घर बनाया, आपने देखा कितना अच्छा घर बना लिया, 25 से 30 लाख रुपया लगा है, कहाँ से आ गया, 4 मंजिल का 3 कमरा बनाया है कि मेरा कमरा बन गया जी, मेरे 2 कमरे यहाँ बन गए, मेरा लेटरिंग बाथरूम बन गया, 25 से 30 लाख रुपया लगा है, कहाँ से आया पैसा। सुनो, सचिन का कमाई नहीं है, सचिन कोई कमाई करता है, 8,000 रुपए की नौकरी करता था, जिसके यहाँ करता था 8,000 रुपए की नौकरी करता था, और जब से सचिन ये सीमा इधर पाकिस्तान से आई है, पैसा की बाहर हो रही है, और मकान अपना बना रहा है, अब वो कह रही है जो गाड़ी भी ली उसने, सुना है आपने, देखो ना गाड़ी बुकिंग करके आई है, तो ये तो अच्छी बात है, ये तो मैं कहता हूँ ये प्यार बिल्कुल नहीं है। जिस तरह से ये हिंदुस्तान में आई है, जिस तरह से AP सिंह ने इसको सपोर्ट कराया है, जिस तरह से सचिन ने इसको सपोर्ट कराया है, इनकी कोई प्यार नहीं है। सचिन का घर चल रहा है इससे, सचिन की दाल रोटी चल रही है सीमा से, इसका जो परिवार है वो बिल्कुल, मैं कहता हूँ कोई उनके घर में आप देखोगे, छोटा सा 2 कमरे का घर था, सुनो कोई कमाई का जरिया नहीं था। सीमा सचिन ने भी पकड़ा उसको कि भी चल भाई शादी कर लूंगा, और कमाई का जरिए साधन बताया उसने यूट्यूब ही, ये सिर्फ यूट्यूबर रही है, जैसे जिस तरह हमारे देश में घुसी है ये यूट्यूबर रही है। फिर बात आती है इसके बच्चों की, मैं कहता हूँ गुलाम हैदर, मैं ये बात आपको जरूर कहूंगा, इसकी पूरी क्लास ली जाएगी, आप बेफिक्र रहिए, ठीक है। ये जिस तरह से यूट्यूबर, उसने भी बता दिया गुलाम हैदर ने, ये यूट्यूबर रही है, ये अपना शौकीन है, ये पैसा कमाने, पैसा सुनो मेरी बात, तो ये वहाँ पे आप वीडियो देखो ना, कितने उस पर नोट बरसा के वीडियो पाकिस्तान की, तो ये क्या कर रही थी वहाँ पे, ये कई जगह रही है, और मैं आज इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं जिस तरह से इसकी वीडियो देखी ना, उसने बताया मेरा तो जी मकान बन गया, अरे तू कमाने आई है क्या, तू बीवी बन के आई है, तो तेरी शादी भी नहीं है सचिन से, उसकी अभी कोई शादी नहीं हुई है, अभी तलाक होगा तब शादी होगी, हिंदू रीति रिवाज से 7 फेरे शादी होती है, यार बच्चा किसने कहा बच्चा होने वाला, बताइए, किसी तरह से कोई अभी ऐसा कुछ नहीं है। देखो होगा तो उनको पता ही है, लेकिन क्या है अभी तक तो ये वो खुद कह रही है होगा, अच्छी बात है, मैं कहता हूँ भगवान अच्छी बात है, हिंदुस्तान में पैदा होगा बच्चा हमारे सचिन का है, कालेगार उन 4 बच्चों का जो भविष्य है, देखिए अगर पैसा है आज के टाइम में दुनिया में, तो सच सीधी एक तो एक परिवार को खत्म करके आई अपना, जो जिसने अपना परिवार खत्म किया होता है ना, अपने पति का को छोड़ना, एक परिवार को तोड़ना, उसको खत्म करना होता है, ठीक है। ऐसी बीवी नहीं बन सकती, ऐसी वो ना किसी की माँ हो सकती, ना किसी की बहन हो सकती, ना किसी की बेटी हो सकती, ना वो अच्छी पत्नी हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर वो जिस तरह से अपने पति को छोड़ के आई है, वो आज रो रहा है वहां पे, ठीक है, रो रहा है भाई अपनी जिंदगी, देखो लड़ो, हम तो यार हमने तो, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा, मैं भी सोच सोच के इसके बारे में कहता हूँ कि मैं सीमा के बिल्कुल ही खिलाफ हो गया हूँ। तो अरे आई थी, चलो भाव बन के आई थी, वो तो पैसा कमाने के हर रोज नया चैनल, नया यूट्यूब चैनल, ठीक है, मुझे कोई वो नहीं है उससे कि मैं उसको किस तरह से कि मेरे को अच्छी नहीं लग रही, यार नहीं नहीं मेरे को कोई अच्छी नहीं लग रही, मेरे को तो अपना देश की जो अपनी बहन बेटी परिवार है, मुझे अपना देश अच्छा लगता है, मैं भारत का वासी हूँ, भारत की जितनी भी अपना जो मेरे देश का है वो मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को किसी से वो नहीं। मैं सीमा हैदर के बिल्कुल इस चीज़ के खिलाफ हूँ, बच्चों को लेके आई है, बच्चों को छोड़ के आई है, ये यूट्यूबर रही है, आज उसने मेरे को, मैंने चैनल देखा क्या जी मेरा तो मकान बन गया, अरे पैसा वो सचिन के पास कमाई नहीं, 8,000 की नौकरी, उसका पिता कोई कमा नहीं करता था, ये किस तरह से संपर्क हुआ है, ठीक है। आज वो कह रही जी 24 लाख का 25 लाख का मकान बना है, 12 लाख की गाड़ी बुक कर रखी है, हैं वो गहने पहन रही है, हैं जी, तो कहाँ से आ रहा है ये, मदद मंगवाई है ना। मैं कहता हूँ भैया वो करोड़पति नहीं अरबपति बन जाए,
ठीक है, लेकिन मैं एक बात कहूंगा उसके बच्चों वाली, जब ये उस गुलाम हैदर अगर मैं कहता हूँ भगवान वो आए अपना केस लड़े अपने बच्चों को ले जाए, अब ये यहाँ रहे तो रहे अंधकार में मैडम, लेकिन अब अंधकार मुझे नहीं लग रहा, अब तो पैसा ना बरसात हो रही है, बच्चे अच्छे अच्छे कपड़े आ रहे हैं, बड़े बड़े टीआरपी हो रही है, कोई कुछ दे रहा है कोई कुछ दे रहा है, तो भैया वो तो रानी बन गई है और सेलिब्रिटी बन गई है, बिग बॉस में जा रही है, करोड़ों रुपए वहां से आएगा, तो मैडम मैं तो कहूंगा वो अब उसने सबको फेल कर दिया है। और लेकिन सीमा इधर एक बात को मैं इस आपके चैनल के माध्यम से जरूर कहूंगा, बच्चों की बात अगर आ गई ना, एक बाप अगर सख्त होता, मैं कहता हूँ गुलाम हैदर सख्त नहीं है, अगर बात अपने बच्चों पे आए ना तो लड़ाई लड़े और अपने बच्चों को ले जाए, रहने दे इसको यहाँ पे, रहे यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर वो गुलाम हैदर के अंदर मैं कहता हूँ शक्ति है, अपने बच्चों को पालने की ताकत है, या अभी वो डरा हुआ क्या, नहीं डरा हुआ, अगर अभी वो डरा हुआ है तो हम कहते हैं हम स्वागत करेंगे देश में, आप अपने बच्चे की लड़ाई लड़े और उसको यहाँ से लेके जाए, अपने बच्चों को ले जाए, छोड़ दे इसको, अब ये हीरोइन बन रही है, टीआरपी कमा रही है, पैसा कमा रही है, गुलाम हैदर ने कहा मैं अब भी रख लूंगा, अरे भैया इस दुनिया में पैसा बहुत बड़ी चीज है भैया, सब पैसे से बड़ा मैं कहता हूँ दुनिया के पास पैसा है तो हर चीज सब कुछ है। मैं तो जी आपसे क्या कहूँ, जिस तरह से अभी आप कुछ वीडियो देख रहे हो उसकी, सीमा हैदर की, सचिन भी उसको कुछ गालियां कुछ मतलब धक्का मुक्की कर रहा है, तो ये प्यार तो इसका मुझे लग रहा है कि खत्म होने की कगार पर लग रहा है, लेकिन क्या है जिस तरह से सीमा हैदर हिंदुस्तान में आई है, सिर्फ ये सिर्फ अपनी टीआरपी बढ़ाने और पैसा कमाने आई है, क्योंकि पाकिस्तान में ये एक नचनीय थी और पाकिस्तान में ये एक मतलब अपने शो चलाती थी, पूरी इसकी वहाँ पे रिपोर्ट आ रही है, और हिंदुस्तान में जिस तरह से आई है ये अपने यूट्यूबर रही है, सिर्फ पैसा ही कमाना इसने, सिर्फ ये पैसा कमाने आई है और इसके अलावा कुछ नहीं, सचिन भी सिर्फ पैसे की ही वो भी लालची है पैसे का, प्यार का भूत भी उतर चुका है, जिस तरह से इनकी असलियत सामने आने लगी है, क्या असलियत आने लगी है कि ये YouTube बनाना शुरू कर दिया, उन्होंने सीमा हैदर बता रही कि YouTube बनाएगा पैसा आएगा पैसा कमाएंगे, पाकिस्तान में तो पैसा YouTube चला नहीं, यहाँ चला रहे हैं, तीन चार चैनल बना लिए हैं, और आपने बताया कि फोटो खिंचवाने के 5-5, 10-10 हज़ार रुपए ले रही है, तो ये प्यार नहीं है, मैं कहता हूँ सीमा के बिल्कुल खिलाफ हूँ, और इस पे ना सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, और जिस तरह से ये चैनल बना के माध्यम से ये टीआरपी बढ़ा रही है, सिर्फ तो सिर्फ इसमें एपी सिंह भी शामिल है या सिर्फ पैसा कमाने का एक जरिया बना लिया इन्होंने, किस तरह की मदद कर रहा है सुनो मेरी बात, उसने 6 तो उसके चैनल बनवा दिए एपी सिंह ने, सचिन को चैनल बनाना नहीं है, ये सीमा थोड़ी चालाक है, इसने तो अपने चैनल बनाया है, एपी सिंह ने भी इसमें मिलके कि अपने चैनल बनाओ पैसा आएगा, अब उसने घर बनाया, आपने देखा कितना अच्छा घर बना लिया, 25 से 30 लाख रुपया लगा है, कहाँ से आ गया, 4 मंजिल का 3 कमरा बनाया है कि मेरा कमरा बन गया जी, मेरे 2 कमरे यहाँ बन गए, मेरा लेटरिंग बाथरूम बन गया, 25 से 30 लाख रुपया लगा है, कहाँ से आया पैसा, सुनो सचिन का कमाई नहीं है, सचिन कोई कमाई करता है, 8,000 रुपये की नौकरी करता था, जिसके यहाँ करता था 8,000 रुपये की नौकरी करता था, और जब से सचिन ये सीमा इधर पाकिस्तान से आई है पैसा की बाहर हो रही है, और मकान अपना बना रहे हैं, अब वो कह रही जो गाड़ी भी ली उसने, सुना है आपने, देखो ना गाड़ी बुकिंग करके आई है, ये तो अच्छी बात है, ये तो मैं कहता हूँ ये प्यार बिल्कुल नहीं है, जिस तरह से ये हिंदुस्तान में आई है, जिस तरह से एपी सिंह ने इसको सपोर्ट करा है, जिस तरह से सचिन ने इसको सपोर्ट करा है, इनकी कोई प्यार नहीं है, सचिन का घर चल रहा है इससे, सचिन की दाल रोटी चल रही है सीमा से, इसका जो परिवार है वो बिल्कुल मैं कहता हूँ कोई उनके घर में आप देखोगे छोटा सा 2 कमरे का घर था, सुनो कोई कमाई का जरिया नहीं था, सीमा सचिन ने भी पकड़ा उसको के भी चल भाई शादी कर लूंगा, और कमाई का जरिए साधन बताया उसने YouTube ही, ये सिर्फ यूट्यूबर रही है, जैसे जिस जैसे हमारे देश में घुसी है ये यूट्यूबर रही है। फिर बात आती है इसके बच्चों की, मैं कहता हूँ गुलाम हैदर, मैं ये बात आपको जरूर कहूंगा, इसकी पूरी क्लास ली जाएगी, आप बेफिक्र रहिए, ठीक है, ये जिस तरह से यूट्यूबर उसने भी बता दिया गुलाम हैदर ने, ये यूट्यूबर रही है, ये अपना एक शौकीन है, ये पैसा कमाने पैसा, सुनो मेरी बात, तो ये वहाँ पे आप वीडियो देखो ना कितने उस पर नोट बरसा के वीडियो पाकिस्तान की, तो ये क्या कर रही थी वहाँ पे, ये कई जगह रही है, और मैं आज इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ, मैं जिस तरह से इसकी वीडियो देखी ना, उसने बताया मेरा तो जी मकान बन गया, अरे तू कमाने ही आई है क्या, तू बीवी बन के आई है तो तेरी शादी भी नहीं है सचिन से, उसकी अभी कोई शादी नहीं हुई है, अभी तलाक होगा तब शादी होगी, हिंदू रीति रिवाज से 7 फेरे शादी होती है, यार बच्चा किसने कहा बच्चा होने वाला बताइए, किसी तरह से कोई अभी ऐसा कुछ नहीं है, देखो होगा तो उनको पता ही है, लेकिन क्या है अभी तक तो ये वो खुद कह रही है होगा, अच्छी बात है, मैं कहता हूँ भगवान अच्छी बात है, हिंदुस्तान में पैदा होगा बच्चा हमारे सचिन का है, कालेगा उन 4 बच्चों का जो भविष्य है, देखिए अगर पैसा है आज के टाइम में दुनिया में तो सच सीधी, एक तो एक परिवार को खत्म करके आई अपना, जो जिसने अपना परिवार खत्म किया होता है ना, अपने पति का को छोड़ना, एक परिवार को तोड़ना, उसको खत्म करना होता है,
ठीक है, ऐसी बीवी नहीं बन सकती, ऐसी वो ना किसी की माँ हो सकती, ना किसी की बहन हो सकती, ना किसी की बेटी हो सकती, ना वो अच्छी पत्नी हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर वो जिस तरह से अपने पति को छोड़ के आई यार, वो आज रो रहा है वहाँ पे, ठीक है, रो रहा है भाई अपनी जिंदगी, देखो लड़ो, हम तो यार हमने तो, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, मैं भी सोच सोच के इसके बारे में कहता हूँ कि मैं सीमा के बिल्कुल ही खिलाफ हो गया हूँ।